पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह जब मुजफ्फरनगर से सटे कैराना गए थे, तब उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था। पलायन के सवाल पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। आज अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। यही किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुखर्जी का कैसा पलायन हुआ है? वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। और हम आपको बता दें कि जिस इलाके में पहले दौर का मतदान होना है वो इलाका गन्ने के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि गन्ना किसानों को लेकर भी दोनों पक्षों में खूब सियासी तीर चल रहे हैं और एक दूसरे को घेरा भी जा रहा है। अखिलेश यादव गन्ना किसानों के भुगतान का वादा कर रहे हैं आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट के से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। तो आप जानते ही हैं कि लाल टोपी को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। लाल टोपी को रेड अलर्ट बताने पर भी दोनों तरफ से जुबानी जंग हुई। अखिलेश यादव कहते हैं रेड का लाल का इंकलाब है, यूपी में बदलाव है। सुन लेते हैं उनको। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। ABP News आपको रखे आगे।